वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज है 25 फरवरी, हमारी भाभी जी का बर्थडे, यानी मेरी भाभी की जो बड़ी भाभी हैं उनका बर्थडे है। तो उन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किया है, तो हम लोग वहाँ के निकल गए तैयार तैयार होके। अमित जी, अभी हमने यहाँ पे डलवा लिया है पेट्रोल। और गाइस क्या बताऊँ आपको, ये कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर दिया अमित जी को, क्योंकि मैं तैयार तो हो गई थी बट कपड़े ढूंढ ये कर, अच्छा नहीं यार मुझे ये पहनना, अरे नहीं यार मेरा अब उसके साथ का ये मैच नहीं कर रहा, मतलब इसके इस टॉप के साथ मैं ये वाली जीन्स नहीं पहनना चाहती, मैं ये वाला पैंट पहनना चाहती हूँ, वो मिल नहीं रहा था। फिर अमित जी ने खूब मेहनत करवाई, मैंने अमित जी तैयार होकर बैठे थे बट मैंने उनके कपड़े भी उतरवा दिए, मैंने यार ढूंढ लो मिली। फिर मैंने सेम ही गुगू के साथ हो गया, मतलब नहीं यार मेरे को वो वाला पहनाना था इसको। बेचारे अमित जी को मैंने आज पूरा इरीटेट कर दिया, मगर ठीक है बेचारे, उन्होंने फिर भी मुझे ज़्यादा कुछ बोला बस, उन्होंने बोला यार औरतों की तो हद ही है वहाँ। गुल्लू हमने घर का परेशान कर दिया, ये देखो मारकर मुंह में लेके बैठा है गुल्लू। गुल्लू यहाँ देखो, से हाय टू ऑल, हेलो गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के, मतलब रात को 8 बज चुके हैं, हमने डलवा लिया अपने पेट्रोल वगैरह, अब हम निकलने वाले हैं। निकले हैं क्या यार, चीकू और भाई भाभी वगैरह को भी लेना है, और ये मुझे बुला रहे हैं रुको। और गाइस मैं रुक गई थी क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करके हमें निकलना था। अब हम भाभी के लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं, हम लोग मार्केट में आए हैं, गाड़ी लगा हमने पार्क कर दी है। और अमित जी हैरान परेशान, इधर आ जाओ, मैंने आपको परेशान किया ना आज। हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। हाँ परेशान, अरे मैंने कपड़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है ना, तो ज़्यादा परेशान नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या ले लें, चलते हैं यार कुछ ना कुछ तो लेंगे ना, देखते हैं। अभी हमने कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं किया है बट चलते हैं कुछ लेते हैं, दिखाएंगे आपको हम क्या ले रहे हैं। और गाइस हम आए हैं वॉचेस की शॉप पे, तो हमने सोचा भाभी के लिए कुछ वॉच देख लेते हैं। हम पहले क्या देखा करें जी, स्मार्ट वॉच देख रहे थे बट जिस चीज़ का हमें चाहिए था वो थोड़ा नहीं मिला है, तो हमने रेगुलर वॉच देखा है। अब हमने टाइटन देख लिया, सोनाटा देख लिया और फास्टैग देख लिया, ठीक है। अब फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गाइस फास्टैग और दिस वन सोनाटा। दोनों में से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी बेस्ट लग रही है। हम अभी नहीं बताएंगे कि हमने फाइनलाइज कौन सी की है, पहले हम पेमेंट कर देते हैं उसके बाद। अब मैम कुछ और डिस्काउंट कर दो यार, ये मैम हमें मिले हैं जो कि यहाँ पे हमसे डील कर रहे हैं। और यार हमारे घर के पास ही इनका शॉप है, और अभी खुला है ना आपका, शायद 2 मंथ्स है ना, 2 मंथ्स हुए हैं, तो हमने बोला इनको एक मौका। और मेरा भी इंस्टीट्यूट आगे आपकी लाइन में है, तो मैं हम लोग ना जाते थे सरोजनी नगर से बेसिकली, तो हम सरोजनी नगर से, ये भी मेरा वहीं से लिया हुआ है पूरा टाइटन का, तो अभी हमने सोचा यहाँ खुल गया तो यहाँ से ले लेते हैं, वो भी बेस्ट डिस्काउंट के साथ, बेस्ट है मैम, ओनली 10% डिस्काउंट। यार हर बार मुझे 20 मिलता है, पता नहीं इस बार 10 क्यों मिल रहा है, हमेशा रनिंग डिस्काउंट होता है, कोई भी रनिंग डिस्काउंट नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलो हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। और गाइस फाइनली हमने ये फाइनलाइज की है फास्टैग, कैसी लग रही है, मुझे तो मस्त लग रही है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है। वाईफाई भी ऐसा हो जाएगी, अच्छा अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं पेमेंट डन, उसके बाद मिलेंगे उनको, पिक करेंगे उनको, फ़ोन कर देते हैं, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, तैयार हुए होंगे, तो उनसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर सीधा हम लोग मिलेंगे डिनर। और गाइस हम लोग पहुँच गए, हमने गाड़ी कर दी पार्क, बट हमें थोड़ा इधर उधर मिल नहीं रहा था तो हमने थोड़ा सा पार्क कर दिया, हम पैदल चल के जा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है। अरे ये देखे हैं, ये हमारे भैया जी हमें बाहर ही मिल गए हैं, ये भाभी चीकू और ये सारे हम लोग मिल गए हैं, हमने गाड़ी थोड़ी दूर लगा दी, भैया कह रहे हैं यहीं लगा देते, कहाँ ये तो रहा। हाँ और गाइस यहाँ आ गए हम, चलो चलते हैं। और गाइस मुझे छोड़ के सब लोग अंदर आ चुके हैं, और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, ये हाय सृष्टि, वाओ यू आर लुकिंग टू गुड। और ये रही हमारी मम्मीज,
और ये न्यू बॉर्न बेबी और ये हमारे भैया पूरे फैमिली डिनर के लिए रेडी। चलो मैं बर्थडे विश तो कर रहे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फिर से पार्टी और मेरा आपका गिफ्ट गाइस आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि हमने भाभी के लिए क्या लिया है, ठीक है। अब भाभी अपने आप दिखाएंगे कि उन्हें कैसा लगा, ठीक है। खोलूं अभी? हाँ बिल्कुल, एज यू विश। बहुत है बट हमें आपका टेस्ट ज़्यादा पता नहीं था तो हम अपने अकॉर्डिंगली मैं अपने अकॉर्डिंगली इसलिए ले आई। पसंद है मुझे पता नहीं था बट हम ले आए। थैंक यू फॉर द कैरी कर लो तो पता लग जाएगा अभी कैरी कर रही है। कैसी लगी मम्मा की वॉच? अच्छी है। रक्षाबंधन हो रहा है क्या? रक्षाबंधन वाले जल्दी सी मत खुश हो तू। हां जल मत तू टेंशन वाले। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। हेलो छोटा बाबू कहाँ है हमारा? ए छोटे बाबू ये देखो ए हमें भी देख लो। मम्मा को तो देखते रहते हो आप रोज। हेलो हेलो ये नहीं देखिएगा भाई। मेरे जुग्गू आपने विश किया नहीं किया? जाओ गोदी जाओ। और गाइस अभी ये कली डिस्चार्ज हुआ है मेरा भाई और आज पार्टी खाने आ गया है। मैं कह रही हूँ हमारा भाई कल ही हॉस्पिटल कितने लगी डिस्चार्ज होती पार्टी ऐसी है। सोनू दीदी कैनुला लगा हुआ था और ना मैं ले आती हूँ सारे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। गाइस हम करेंगे केक कटिंग और देखते हैं फिर हम क्या क्या खाते हैं आपको सब दिखाऊंगी मैं। बने रहिए व्लॉग। ओ केक आ गया यार केक आ गया केक आ गया बॉटल। वाह और गाइस ये लिखा है ओ माय गॉड वंडर वुमन। ओ माय गॉड ये क्या लिखा? अच्छा इन्होंने लिखवा दिया वंडर वुमन भाई भैया की शरारत वंडर वुमन। भाई भैया कहाँ से सोचे आपने? मुझे तो लगा फॉरवर्ड यार लिखवाएंगे। चलो गाइस अब केक कट करते हैं। हाँ हाँ बता भाई भाभी पूछना चाहती है वंडर वूमन भारती का क्या मतलब है? क्यों भाभी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ? भैया क्यों लिखवाया आपने ये है? भैया क्यों लिखवाया आपने ये? भैया अपनी ब्लॉगिंग चालू है। हाँ क्या होती है कुछ बुरा नहीं बोला आपके लिए अच्छा बोला यार तो आप सेटिस्फाइड हो ना? मुझे लगा बोलेंगे कि मैं सब चीज बहुत अच्छे से करती हूँ। देखा औरत कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। भाभी से बड़ा प्यार है अकेली भाभी है ना ये अरे कैंडल स्मेल तो जाएगी सारी। बर्थडे का सॉन्ग बजाएगा। हैप्पी बर्थडे।
स्पेशल मोमेंट, स्पेशल मोमेंट, वाओ, सो नाइस। हाँ गाइस, ये केक काट चुकी है भाभी, और देखो वंडर वुमन बचा हुआ है बट भारती कट चुका है। हाँ गाइस, ये भारती भाभी की मम्मी है और वो पापा जी हैं, और ये फादर इन लॉ है, ये सासू माँ है, और ये बता दो, खुद ही बता दो, देवरानी, छोटी देवरानी, और ये तो नंद है, और मुझे तो सब जानते हैं। अच्छा कुछ बोल तो तू, थैंक यू वंस अगेन, क्वालिटी बताओ, आज आज रिवील कर ही देती हूँ, 36 इयर्स की हो रही हो। ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा झटका इनको लग रहा होगा, मेरी छोटी सी बेटी 36 इयर्स की कब हो गई पता ही नहीं चला। इसका एक शॉल हटा दो पिंक पर, ओए है ना गाइस, तो आप लोग जरूर बताओ कमेंट में, हमारी भाभी इतनी लग रही है, लग रही है, वैसे हमें नहीं लगती है, मैं तो लगती हूँ अपने आप को। यार आप जन्म नहीं लाते इसलिए आपका एहसास होता रहता है, हम वैसे देखते हैं। और छोटे बाबू, ये छोटा बाबू आ गया, ओए छोटे बेबी, ओए मेरा छोटा बेबी है रहा गाइस, ये मेरा छोटा बेबी है, सेल्फी ले लो सेल्फी, ये मेरा छोटा बेबी है, और ये देखिए गाइस, ये दोनों शरारती बच्चे हैं गाइस, ये भी शरारती है, ये मेरा भी शरारती हो रहा है, भाभी हेलो तो कर दो, अरे ऐसे मत बोलो, और ये मेरे हस्बैंड है गाइस, गाइस ये मेरे हस्बैंड है, और ये मेरे छोटू का बच्चू है, बच्चू केक कट चुका है, और अब लोग डिनर टेबल हमारी लग चुकी है, मतलब डिनर प्लेट्स वगैरह आ चुकी हैं, और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमारे लिए स्पेशल अब दोबारा से स्टार्टर, तो ये देखिए स्टार्टर आ गए हैं ये, और खुद अंकल जी हमें सर्व कर रहे हैं, यानी हमारे मौसा जी ये सब कर रहे हैं स्टार्टर, हम लोग लेट नदी पे, बाकी सब लोग स्टार्टर्स खा चुके हैं, तो हमारे लिए आए कि हम भी खाएं, तो हम टेस्ट कर लेते हैं, बताते कैसे है। और फिर और ये देखो इनकी प्लेट्स सब रेडी हो गई हैं डिनर की, चलो गाइस स्टार्टर टेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस, डिनर इज रेडी, भाभी बता दो क्या क्या है, पनीर, क्या पनीर लंबरदार, चिकन बिरयानी, और ये भाभी हमें सर्व भी कर रही है, वाओ सो नाइस ऑफ यू भाभी, थैंक यू, और सबने गाइस डोलू हमें बेइज्जत करना चालू कर दिया, डोलू ने हमें खाना आते ही हमें डोलू ने बेइज्जत कर दिया, और ये देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए मामला चालू हो चुका है, ये देखो यार बच्चे कितना बेइज्जत करते हैं, सही में, चलो गाइस हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं बाद में, गाइस मम्मियों ने खाना खा लिया है आराम से, जब तक डैडी उन्हें ड्यूटी निभाई है बच्चों की बाहर ले जा ले जाके, हाँ तू मान ले मेरे को मान ले तू, और अब ये डैडी डैडीज खाना खा रहे हैं, वाह, अरे मेरा भाई गुस्से वाला, कहीं भी माहौल नहीं देखता, सिर्फ इसको चिल्लाना आता है बस, और ये देखिए डैडी सब खाना खाएंगे, ये री बर्थडे गर्ल हमारी, अरे गाइस देखो जल्दबाजी में हो गई ना गड़बड़, मैं आपको बताती हूँ अभी गड़बड़ क्या हुई है, ठीक है होल्ड करना गाइस, हम बर्थडे गर्ल के लिए ये लेके आए, ये लेके आए, मगर हमें याद ही नहीं है कि इसको जरा टिका दे, इसको जरा पहना दे, क्या है यार, एक्चुअली मैंने गाइस जी मैंने ले रखा है, अरे मेरे वीडियो के बीच में आ गया भैया, क्या कर दिया हमने गाइस, ओ दीदी को भी ना वो सोचा पहले यार, उसको नींद हो गया, वो नींद हो चुका है, चलो गाइस ये हमने इसलिए लिया हुआ है, ये किराए का नहीं है यार, खरीद मगर
जब भी जब भी किसी का बर्थडे आता है ना तो हम इसे पैक करके यूज करते हैं फिर संभाल के रख देते हैं पन्नी में। ठीक है तो मैं सब दो रोट लिया वो पूरा हो चुका है पर वो फालतू में चल रहा है ना। ठीक है तो इसलिए भाभी के साथ भाभी की फोटो खींचते हैं। चलो फोटो खींच लेते हैं। केक तो कट गया यार। गाइस ये गाड़ी लेके अमित जी आ गए इतनी लेट। और ये देखो मेरा बच्चा और ये इनकी कैब आ गई है। बाय बाय। चलो चलो चीकू चलो चलो भाई घर को चलो चलो टाटा करो। बैग बैग पीछे रख। चलो गाइस ठीक है मिलेंगे ब्रेक के।